जैसे जैसे शिवरात्रि का पर्व नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सड़कों पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कावड़ियों का सैलाब भी बढ़ता जा रहा है। और इन शिव भक्तों की सेवा हेतु सामाजिक संस्थाओं व क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार कावड़ सेवा शिविर लगाकर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि इन शिव भक्तों का सफर सुगम हो सके। इसी कड़ी में शुक्रवार को मीरापुर क्षेत्र में भुम्मा नहर पर भी क्षेत्रवासियों द्वारा कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानपति दिनेश चौधरी व मीरापुर थाना प्रभारी दिनेश कुमार सिंह के अलावा क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हुए तथा सभी लोगों ने हवन में भाग लेते हुए पूजा अर्चना के साथ इस कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिव भक्तों के लिए नाश्ता, भोजन व ठहरने के अलावा चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होगी तथा शुक्रवार से प्रारंभ होकर यह शिविर हरी इच्छा तक जारी रहेगा। वहीं उद्घाटन के अवसर पर मीरापुर इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन ही सच्ची समाज सेवा है तथा भगवान शंकर ने भी विश्व के कल्याण हेतु जहर पीकर लोगों को जीवन प्रदान किया था। कार्यक्रम के अवसर पर मनोज चौधरी, ढाकी तोमर के समर सिंह चौधरी, सुक्रम पाल सिंह व बिल्लू भुम्मा आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए समर सिंह चौधरी व दिनेश चौधरी ने बताया, आज जो है भुम्मा नहर सिंचाई विभाग की कोठी पे वो सभी भुम्मा निवासियों ग्रामवासियों द्वारा कावड़ सेवर शिविर का जो है उद्घाटन किया गया। ग्राम प्रधान इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार जी की उपस्थिति में, और जो है ये शिविर पिछले 27-28 सालों से लगातार रहा। इस बार काफ़ी उत्साह है ग्रामीणों में, क्योंकि दो साल बीच में लग नहीं पाया कोरोना काल में, और दो साल बाद अब ये जो है अब के लगने जा रहा, तो अच्छे से अच्छा जो है शिविर चलाने की और पूरा सहयोग करने की और भोलों की सेवा करने का यहाँ जो है सभी में भारी उत्साह है, और बहुत लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ को गुजरते हैं। आज से लेकर 26 तारीख तक आ जाने शुरू हो गया है, और 26 तारीख तक इसी तरह जारी रहेगा, शिव भक्तों की सेवा भी जारी रहेगी। आज ये सब वर्षों की बात ही, इस वर्ष भी हम सब गाँव वाले से मिल गए उसका उद्घाटन किया आज। बस सभी गांव वालों से ये अपील है कि ज़्यादा संख्या में आवे, आज भक्तों की सेवा करें, उनका सहयोग दें सभी गांव वाले, इसे पूर्ण रूप से करवावे संपन्न से। प्रधान जी, कितने वर्षों से ये शिविर लगता रहा है? ये तो लगभग काफ़ी वर्ष हो लिए, 20-25 साल से लग रहा है, 28 वर्ष हो लिए। अच्छा, कितने शिव भक्त यहाँ से गुजरते हैं? लगभग लाखों शिविर गुजरा जी यहाँ से, सर आज गुजरना शुरू हो जाएंगे यहाँ से, 26 तारीख बराबर गुजरेंगे जी यहाँ पर।